लोग बकरी चराते हैं। बुद्धि का सिद्धांत किस प्रियंका नहीं ठीक है अच्छा है बैठिए जी। नमस्कार, अभी हम हैं बीवी गज के महारथ क्लासेस, जो कि यह सचमुच में महारथ हासिल किया हुआ है और महारथ हासिल के कारण आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि महारथ क्लासेस में पढ़ने आए हुए हैं और यह भावी शिक्षक उम्मीदवार भी हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा और जवाब सवाल भी करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस करिए, ताकि जो भी वीडियो आएगा सीटेट से संबंधित वह सबसे पहले आपको मिलेगा, जो कि आपको टीचर बनने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो यहाँ पे जो इतना देख रहे हैं छात्र, जो कि बैठने का जगह भी नहीं है, और यहाँ से बच्चे हर साल सर से हमने गुप्त में बात किया है तो सर ने बताया है कि यहाँ से 80% से ऊपर रिजल्ट आता है। और यहाँ देख रहे जो स्टूडेंट का जमावड़ा, इस जमावड़े से ही सर कुछ अच्छा करते हैं और बच्चे को सर का स्टेटस भी है कि पढ़ो ऐसे जो कि पढ़ा सके। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हैं लोग, उनसे मैं सवाल करता हूँ कि किस तरह से तैयारियाँ चल रही हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ है, आपका नाम क्या है? रुचि कुमारी। चलिए रुचि जी है हमारे साथ और मैं इनसे बातचीत करता हूँ। पे कौन कौन से शिक्षक हैं? बहुत सारे टीचर हैं, जैसे हमारे राहुल सर, अच्छा मुंडा सर, अभिनंदन सर, अच्छा अच्छा किरिंदर सर, अच्छा और संस्कृत के न्यू टीचर हैं। अच्छा चलिए, यहाँ पे 5 शिक्षक हैं जो कि बहुत अच्छे से यहाँ तैयारियाँ होती हैं और इस तैयारियाँ में यहाँ रुचि जी है मेरे साथ EBS से। EBS से सवाल है, जो लोग बकरी चराते हैं उससे क्या बोलते हैं? बकरवाल। चलिए बहुत अच्छा, देखिए तैयारियां कैसा है यहाँ पर कि बच्चे जवाब का सवाल का जवाब भी दे रहे हैं। तो और कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं, मैं इनसे बात करूंगा। आपका नाम क्या है? खुशबू कुमारी। खुशबू जी है और आप बताइए कि तैयारी यहाँ कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है। और आप जो पढ़े हैं तो सबसे आपका बेहतर विषय कौन सा है? EBS है। तो EBS में लकड़ी और मिट्टी का घर में कौन लोग रहते हैं? लकड़ी और मिट्टी के घर में बकरवाल लोग रहते हैं। चलिए तो तैयारी देख रहे हैं इस तरह का है बच्चे के, जो कि इस संस्था का नाम महारत तो है ही। आपका नाम क्या है? प्रियंका है। और ये बताएगी कि आप बताइए कि कहाँ डोंगे क्या है? डोंगे नाव क्या है? एक प्रकार का नाव है। चलिए बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है? सुष्मिता जी। और आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं और शिक्षक की भूमिका निभाइएगा। और यह सवाल जो है वह CDP से है आपका, नैतिक का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। देखिए CDP भी इतना बेहतर है और वह राहुल सर पढ़ाते हैं, जो कि CDP एक सराहनीय विषय है और बच्चे वहाँ से CDP में फेल करते हैं और CTET भी फेल कर जाते हैं। तो हमारे साथ कुछ ऐसे एक शिक्षक है जो भावी शिक्षक बनेंगे, मैं इनसे बातचीत करता हूँ। आप कब से इस संस्था में आ रहे हैं? तो आपका CDP कैसा सर पढ़ाते हैं राहुल सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। राहुल सर का CDP बहुत सराहनीय है। तो CDP में आप बताइए कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर ने। बहुत अच्छा। चलिए आगे से क्वेश्चन कर रहे हैं और हमारे साथ यहाँ बैठे हुए भावी शिक्षक हैं, मैं इनसे चर्चा करता हूँ। आपका सबसे बेहतर सब्जेक्ट कौन सा है? मुझे सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, मैथ को छोड़। मैथ को छोड़ के सब अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चे मैथ में फेल हो जाते हैं तो शायद CTET आप पास नहीं कर पाइएगा, ऐसा हमको लगता है। लेकिन आप बताइए कि CDP पढ़े हैं सर से? हाँ, कौन सर पढ़ाते हैं? राहुल सर पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। चलिए तो CDP राहुल सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे भी पढ़ाते हैं। लेकिन
कुछ सवाल आपसे कर सकते हैं? पूछिए। चलिए बताइए कि जो बिल्ली एक पिंजरे में रहता है और उस बिल्ली जो आप अभ्यास करता है, उस अभ्यास का नियम किसने दिया था? चलिए बहुत सारे एक से पूछे और बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं। यह इस संस्था का बहुत मतलब क्या वर्णन का किया जाए, वह शब्द ही मेरे लिए नहीं है। और आइए आप भी जुड़िए इस संस्था से और पढ़िए। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।